नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं जैकफ्रूट पकोड़े बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए कुछ जैकफ्रूट्स चाहिए। उसका सीड को निकाल दीजिए और इसे मिक्सी जार में डालिए। ग्राइंड करके जैकफ्रूट बैटर बना दीजिए। पाव किलो इडली राइस लीजिए, उसे ग्राइंड करके राइस पाउडर बनाइए। उसमें एक चम्मच सॉल्ट डालिए, उसमें एक कटोरी शुगर डालिए और इसे अच्छे से मिला दीजिए। एक कढ़ाई लीजिए और उसमें तेल गरम कीजिए। मीडियम फ्लेम पर छोटा छोटा गोला बना के तेल में छोड़िए। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। पकौड़े को गोल्डन ब्राउन होने से निकाल दीजिए। अब आपका पकौड़ा रेडी है। Please subscribe and share my rosy and care.